मध्य प्रदेश की नदियाँ, आज हमारा नया चैप्टर मध्य प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले हम ये मध्य प्रदेश देखते हैं, तो हमारा यहाँ से हमने ये देखा चंबल नदी के माध्यम से होता है, कुछ हमारा ये बेतवा नदी के माध्यम से प्रदर्शित होता है, फिर ये हम देखते हैं ये ओरछा वाला ये कर्व आ जाता है, यहाँ से हमने देखा दसान नदी के माध्यम से, है ना, और ऐसा हम निकाल देते हैं, ये हमारा सिंगरौली के नीचे की खाड़ी आ जाती है ना, ये आते हैं और ये चंबल नदी वाला पार्ट ऐसे करके, है ना, ये मंदसौर नीमच जिले वाला, है ना, ऐसा हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश का। हम ये मैप देख लेते हैं, इन नदियों द्वारा ही प्रदर्शित, जैसे हमने ये देखा हुआ है कि हमारा किस नदी के द्वारा आ जाता है, पार्वती नदी के द्वारा ये डिवाइड कर देते हैं, ये बेतवा नदी के द्वारा ऊपर का राजस्थान से ये, और हमें ये मध्य प्रदेश में मालूम है ये हमारा उत्तर पूर्व की दिशा राजस्थान हो जाती है, ये यूपी आ जाता है हमारा, ये छत्तीसगढ़ लगा हुआ है पूर्व में, ये आ जाता है हमारा क्या महाराष्ट्र लगा हुआ है, और यहाँ हमारा लगा हुआ है गुजरात पश्चिम में लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे इतनी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ हमें मध्य प्रदेश के कुछ पर्वतों के द्वारा ही हमें अपना अपवाह क्षेत्र या बेसिन ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो डिसाइड करना है। तो यहाँ से हमने देखा हुआ है ये हमारा जाता है मध्य प्रदेश का, हमारा ये हो जाता है हमारा विंध्यांचल पर्वत, क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा विंध्यांचल पर्वत, विंध्य का अंचल, विंध्यांचल पर्वत आ जाता है। नीचे आ जाता है हमारा ये आ जाता है हमारा सतपुड़ा रेंज, क्या आ जाता है सतपुड़ा रेंज। हमने आप लोगों को पर्वत में बहुत सी चीज़ें पहले बता चुके हैं कि पर्वत में पूरे मध्य प्रदेश के पर्वत के सतपुड़ा पर्वत में राजपीपला और हमारी गवर्नर श्रेणी से लेकर महादेव महाकाल ये पूरी हमारी आ जाती है। तो इसी का हमारा सतपुड़ा का ये पूरा हमारा ये आ जाता है महाकाल मैकाल श्रेणी में भी आ जाता है, क्लियर। यहाँ हमारी आ जाती हैं ये आ जाती हैं सागर जिले के बाद ये आ जाती है हमारी ये भांडेर श्रेणियाँ आ जाती हैं, ठीक। ये आ जाती है कैमूर पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला आ जाती है, ठीक। यहाँ से और छोटी छोटी हम जो पहाड़ियाँ देखते हैं यहाँ हमारा आ जाता है वर्धन शिखर, यहाँ क्या आ जाता है हमारा वर्धन शिखर। तो इन्हीं से हमारा क्या है पूरी सभी दिशाओं में हमारा नदियों का अपवाह बेसिन जो पूरा का पूरा डिसाइड हो जाता है, क्लियर। ये इसलिए बताया कि इनके क्वेश्चन हमारे ज़्यादा निकल कर अभी आ रहे हुए हैं ना, और इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें नदियों का जो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे सागर से ही शुरू करें, तो सागर से हमें ये चीज़ देखना है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी नदी पड़ती है। तो सागर जिले से अगर हम जब इंदौर साइड या हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ से जो निकलने वाली विंध्यांचल पर्वत से यहाँ से निकलती हमारी कौन सी राहतगढ़ पर से दसान नदी, कौन सी नदी निकलती है दसान नदी, बाउंड्री बनाती हुई और ये निकल जाती है ऊपर, ये है ये कौन सी नदी हो गई हमारी दसान नदी, क्लियर। सागर के बिल्कुल पास में है तो विंध्यांचल पर्वत से निकलती है दसान नदी जो बेतवा की सहायक नदी है, फिर दसान के बाद ठीक है हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा गांव से निकलती है हमारी बेतवा नदी, कौन सी नदी निकलती है बेतवा, ये भी इतनी बॉर्डर बनाती है हमारी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की, ये झांसी के पास से होते हुए ओरछा से होती हुई ये निकल जाती है हमारी, ये निकल जाती है, तो ये हमारी कौन सी नदी हो जाती है बेतवा नदी हो जाती है। बेतवा नदी के किनारे हमारे भोपाल के पास में ही है, भोजपुर के बिल्कुल भोजपुर पुराना बहुत पुराना राजा भोज का शहर, ठीक है, सांची के स्तूप सांची शहर है, फिर हम देखते हैं ओरछा हमारा राम राजा की जो नगरी कहलाती है, तो ये सब बेतवा नदी के किनारे हमारे पूरे शहर स्थित हैं और ये हमारी ये दसान नदी इसकी सहायक हो जाती है। बाकी और इसमें हम देखते हैं कि हमारे सागर जिले में ये सागर हमारा जिला ये आ जाता है, तो यहाँ हम राहतगढ़ वाटरफॉल जिसे भामाकुंड साहब वाटरफॉल कहते हैं, तो ये हमारी आ जाती है एक बीना नदी, तो बीना नदी भी हमारे यहाँ से निकलती है बेगमगंज के पास से, और बीना नदी भी हमारी किस में मिल जाती है बेतवा नदी की सहायक हो जाती है। तो बेतवा में दसान बीना ये हमारी इसकी बेतवा की सहायक नदी हो जाती है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे भोपाल वाला एरिया कवर करके और थोड़े से आगे आ जाते तो यहाँ से हमारे निकलती है, अच्छा बेतवा नदी का उद्गम भी हम लिख देते हैं यहाँ, कुमरा गाँव हो जाता है रायसेन, कुमरा गाँव रायसेन, है ना, रायसेन का कुमरा गांव बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। फिर हम आ जाते हैं आगे हमारे लिए पड़ता है कौन सा पार्वती नदी, तो पार्वती नदी हमारे निकलती है देखिए ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बाद भोपाल डिस्ट्रिक्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा आ जाता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट, तो इसका उद्गम हो जाता है हमारे सीहोर से,
कहाँ से हो जाता है, सीहोर से। तो ये पार्वती नदी ऐसी जाती हुई है, ठीक है, जो हमारे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर बनाती हुई ये चंबल नदी में मिल जाएगी, है ना। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी नदी आ जाती है, पार्वती नदी। क्या है, हम इसलिए और इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि नदियों का क्रम आ जाता है, जो अच्छे पेपर होते हैं आजकल तो अब खैर सब पेपरों में आना लगा है, उनने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम बताइए। कि कोई ट्रेन अगर जैसे उनने कहा कामायनी छिप्रा एक्सप्रेस जो आती है, कामायनी एक्सप्रेस आ रही है जो कुरला बनारस वाली, उसको क्रम से पूरब से जब वो बनारस से चल रही है तो कौन सी नदियाँ क्रमशः पड़ेंगी। तो ऐसे बहुत से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तब हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। तो ये पार्वती नदी आ जाती है, पार्वती नदी के बाद जे इसके किनारे भी हमारा एक आष्टा बहुत प्राचीन शहर है, आष्टा पड़ता है, कौन सा शहर, आष्टा, क्लियर, इसका ही क्वेश्चन आता है। फिर हम और आगे बढ़े तो इसके बाद आ जाते हैं पार्वती के बाद, ठीक है, एक हमें पड़ जाती है कौन सी, काली सिंध नदी। जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें स्वर्ण कक्ष पड़ता है, तो स्वर्ण कक्ष में हमें पड़ जाती है कौन सी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और इसके किनारे एक शहर है स्वर्ण कक्ष, कौन सा है, स्वर्ण कक्ष, क्लियर, स्वर्ण कक्ष शहर इस नदी के किनारे है। ये हो गई काली सिंध नदी, इसमें एक इसमें मिल जाती है नेवज नदी भी मिल जाती है, तो नेवज भी हमने ये देखा हुआ है। फिर हम और आगे आ जाते हैं तो हम जैसे ही देवास पहुंचते हैं, देवास से इंदौर के लिए मुड़ते हैं तो हमें पड़ती है एक छिप्रा नदी, कौन सी नदी पड़ जाती है, छिप्रा नदी पड़ जाती है। और छिप्रा नदी किनारे देवास भी है, और देवास के साथ हम जानते हैं उज्जैन भी इसके किनारे एक हमारा शहर है, कुंभ का मेला भरता हुआ है, तो ये हमारा उज्जैन भी है और ये भी है। तो ये सब नदियाँ, तो ये अब देखते हैं सीहोर से पार्वती नदी निकली थी, काली सिंध नदी देवास, देवास के पास बागली गांव देवास से निकलती है, बागली गांव देवास से कहाँ से निकलती है, बागली गांव देवास से। फिर हमने देखा हुआ है उज्जैन से निकली हमारी कौन सी नदी, छिप्रा नदी निकलती है, ठीक है। तो उज्जैन बागली गांव देवास और जे हमारी छिप्रा नदी आ जाती है, और उसके बाद हम निकलते हैं ये काकरी बरडी इंदौर से निकलती है, काकरी बरडी इंदौर। देखिए देवास के बाद कौन सा आता है हमारा जिला, इंदौर, बिल्कुल क्रम से याद रखें, सीहोर फिर देवास फिर इंदौर। और फिर हम इंदौर से आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो हम महू पहुँचते हैं, तो महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी महू की जानापाव पहाड़ी से हमारी निकलती है। तो ये चंबल नदी हमारी ऐसे जाती है मंदसौर नीमच से होती हुई ये मुड़ जाती है, और ये इसमें हमारी ये सब नदियाँ मिल जाती हैं, नेवज भी इसमें मिल जाएगी, और ये पार्वती नदी और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर बनाते हुए ये नदी चंबल नदी चंबल की बीहड़ों से ये हमारी निकल जाती है। यहाँ हमारा आगरा मथुरा है ना, ठीक, यहाँ आगरा आगरा मथुरा से होती हमारी कौन सी आती, यमुना नदी आती है। तो ये चंबल नदी इटावा के पास किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। और बेतवा मिल जाती है हमीरपुर के पास, है ना, यमुना नदी में, क्लियर। और ये पूरे मालवा के पठार में बहने वाली नदियां हैं, मालवा के पठार की मिट्टी काली होती है, तो इसका जो हमारा कहना चाहिए नदी का पानी भी चंबल नदी को कहते हैं अपन, काली होती हैं ये चंबल नदी भी और ये यमुना नदी भी काली होती है। तो इनका कारण क्या है, मालवा से और इसके हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा और बूंदी कोटा इससे आने वाला पूरा पानी है, तो इसमें हमारी एक बनास नदी भी मिल जाती है यहां से, है ना, तो ये सब हो जाती हैं। तो ये हम चंबल नदी का अगर हम जैसे देखते हैं तो ये हमारे लिए ठीक है, चंबल नदी ये दिख जाती है, चंबल नदी ये देखो ये बीहड़ का ये पूरा दृश्य आ जाता है। और चंबल नदी में हम देखते हैं कि यहाँ मगरमच्छ रेप्टाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेप्टाइल या सरीसृप पार्क है ना, कोटा बैराज हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे चंबल नदी का पूरा ये हमारा हम देखते हैं, यहाँ की रेत के अच्छे वो होने के कारण यहाँ पर सरीसृप वाला पाया जाता, तो ये हमारी चंबल नदी का हो जाता है। तो चंबल नदी के बाद अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ छिप्रा काली सिंध नेबज पार्वती ये सब किसकी सहायक हो गई, यहाँ से एक नदी मिलती है हमारी कूनू नदी, है ना, और एक मिल जाती है
कुंवारी नदी, क्लियर। कूनो और कुंवारी नदियां भी चंबल की दो सहायक नदियां हो जाती हैं, क्लियर। तो ये हमारी हो जाती है चंबल नदी, पूरे ये पूरी नदियां मालवा के पठार में बहती हैं। यहीं से एक निकलती है सरोंज के, सरोंज से सिंध नदी, और सिंध नदी भी हमारी ये जाते हुए बाढ़ बनाते हुए किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। भिंड शहर इसके किनारे है, ये सिंध नदी निकलती है सरोंज से, सासे सिंध सासे सरोंज, और ऐसे निकल के हमारी सिंध भिंड होते हुए ये भी हमारी किस्म मिल जाती है। तो ये मालवा गुना साइड का हमारा पूरा ये कवर कर लेती है, क्लियर। तो ये बेतवा नदी हो गई है ना, बेतवा की सहायक बीना धसान हमने ये देखे हुए हैं, क्लियर। अब हम आ जाते हैं यहाँ से, ये पूरी ये मालवा में बहने वाली नदियाँ हैं, और इसके बाद जो हमारा देखते सागर से अपन देखते खुरई के पास से जो हमारा पठारी भाग आ जाता है, तो यहाँ से लग जाता है हमारा बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के पठार में धसान नदी भी पूरी बुंदेलखंड के पठार में बहती है, ठीक है। इसके यहाँ से यहाँ निकलती है हमारे सागर जिले के पूरे एरिया से, हमारे यहाँ से जैसे लोकल का हम देखें तो यहाँ से एक सुनान नदी निकलती है, क्लियर। सुनान नदी, सुनान नदी के साथ यहाँ छोटी कोपरा नदी, और ये हम देख लेते हैं ब्यारमा नदी, ठीक। ब्यारमा नदी पूरे नौरादेही अभ्यारण्य से बहने वाली और उसके आसपास के क्षेत्र से बहने वाली, और यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ से पूरा भांडेर पर्वत का, और ये पन्ना के पास हमानगंज नेशनल पार्क, जो पन्ना नेशनल पार्क है उसके पास ही में यहाँ पर सात नदियाँ ऐसी मिल जाती हैं, कैमूर पर्वत से निकलने वाली, जो कैमूर पर्वत मतलब मैहर माता का मंदिर है वहाँ, और हमारे सागर जिले की पूरी नदियाँ मिलकर, तो यहाँ से बन जाती हमारी कौन सी नदी, केन नदी। और केन नदी बांदा खजुराहो, यहाँ पर क्या है हमारा खजुराहो है, तो ये मिल जाती चिल्ला के पास, चिल्ला एक छोटा कस्बा है उसके पास ये मिल जाती हैं, किसमें, यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये हमारी कौन सी नदी हो जाती है, केन नदी। तो केन नदी में भी हम देखते हैं कि हमारे पूरा जो आ जाता है, ये देखिए केन नदी, एक खजुराहो के पास एक केन नदी में, क्लियर। ये हमारा उस समय यहाँ पर ज्वालामुखी का क्रेटर है, तो ये केन नदी का पानी पूरा जो गिरता है क्रेटर में, तो इसकी यथाह गहराइयाँ हैं, ये पाताल के नीचे तक है, तो यहाँ पर ये खजुराहो के पास रनी वाटरफॉल है, और ये पूरा केन नदी बिल्कुल ये खजुराहो के पास है हमारे राजनगर जो तहसील है उसमें। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, ये ज्योग्राफी में या भूगोल में ये बहुत सारी डायोराइट डोलोमाइट ऐसी चट्टानों के बेसाल्ट, ये सब चट्टानों के उदाहरण हैं, और इसको फॉरेनर बहुत ज़्यादा देखने के लिए, इन चट्टानों को देखने के लिए आते हैं, और ये पूरा एक रिफ्ट वैली वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा रिफ्ट वैली। और यहाँ ये है कि यहाँ कहते हैं अपन क्रिटेशियस युग के समय का ही, क्रिटेशियस युग में यहां पर ज्वालामुखी के कारण स्ट्रक्चर बना था। तो ये केन नदी का बड़ा खजुराहो, जब भी हम जाते हैं तो ये बिल्कुल पास ही में हमारा इस साइड जो कहना चाहिए लेफ्ट में बाएं हाथ पे हमारा क्या पड़ जाता है, केन अभ्यारण, और पीछे साइड को हमारा पड़ जाता है पन्ना नेशनल पार्क। तो केन अभ्यारण से हम ये चित्र, हम ये केन नदी के ये देख सकते हैं। चलिए, तो केन नदी के बाद हम देखते हैं, है ना, ये केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत भी हो जाता है, कैमूर पर्वत, और समापन कहाँ हो जाता है, चिल्ला के पास ये हो जाता है। फिर हमने देखी हुई है ये आ जाती है हमारी मैकाल पर्वत से, यहाँ है हमारा मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी ऐसी कैमूर पर्वत की इस साइड से होती हुई और ये निकल जाती है। तो हम ये जानते हैं ये हमारा प्रयागराज है, और यहाँ ये गंगा नदी आती है, और प्रयागराज से हम ये चले जाते मिर्जापुर से होती हुई है बनारस, और बनारस से निकल जाते हैं, हम निकल जाते हैं पटना, दानापुर पटना के पास। तो सोन नदी मध्य प्रदेश में ऐसी नदी है जो डायरेक्ट गंगा नदी में समाप्त होती है पटना के पास। तो ये सोन नदी मैकाल पर्वत से हम निकल, तीन नदियां निकलती हैं, ठीक। एक हमारी हो जाती है नर्मदा नदी, जो किस दिशा की ओर बहती है, हमारी पश्चिम दिशा की ओर। सोन नदी, सोन नदी हमारी किस दिशा, कहाँ चली जाती है, उत्तर पूर्वी की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अभी ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज़्यादा कि केन और सोन नदी में जल द्विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत होता है। तो केन और सोन नदी का जल द्विभाजक, उसके जल को बांटने वाला कौन सा पर्वत है, कैमूर पर्वत। ये हमने देखा हुआ कौन सा पर्वत है, ये कैमूर पर्वत होती है। तो इस साइड केन नदी आ जाती, बाण सागर बांध बने हुए इसमें, और इसमें भी बहुत सारे रेप्टाइल, याद रखिएगा
चंबल नदी पहली, दूसरी नदी हमारी केन नदी और तीसरी हो जाती सोन नदी। ये ऊपर की ये पठारी भाग में बहने वाली नदियां हो जाती हैं। तो ये पूरी की पूरी रेप्टाइल सरीसृप या घड़ियाल के संरक्षण के लिए संरक्षित। तो इसमें तीनों रेप्टाइल पार्क यहाँ पर डेवलप किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये हमारी सोन नदी हो जाती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक किंवदंती है कि नर्मदा जो एक राजकुमारी थी और सोन राजकुमार से उनका विवाह का ही एक लोक कथा है होती है। तो उनकी नर्मदा नदी जो नर्मदा राजकुमारी थी उनकी दासी थी जोहिला, ठीक है। तो एक ऐसा संयोग बनता है कि कुछ उनके लिए संदेश भेजते हैं, भेजा जाता है नर्मदा राजकुमारी के द्वारा कि स्वन जो उनके होने मतलब पति होने वाले थे राजकुमार के लिए संदेश भेजने के लिए, लेकिन वो उस पर ही स्वन जो राजकुमार थे उनने ये समझा कि यही जो जोहिला उनकी जो दासी थी वो उनने ये समझा कि ये ही नर्मदा राजकुमारी हैं। तो वो उनसे ही प्रेमोपास में बंध जाते हैं। बाद में ये नर्मदा जो राजकुमारी जी थी उनको मालूम पड़ता है, तो उनने फिर अपनी उनसे उनका मोह भंग हो जाता है और वे अपनी उल्टी दिशा में निकल जाती हैं। ऐसी एक लोक कथा हमारे यहाँ ये विंध्यांचल या बघेलखंड वाले एरिया में और हमारे उसमें किंवदंती में के रूप में चलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा नदी हमारी कहाँ से मैकाल पर्वत से निकल कर और हमारे कहाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हुए कहाँ निकल जाती हैं, ये निकल आती है पूरे मध्य प्रदेश गुजरात यहाँ नीचे महाराष्ट्र की बॉर्डर लगती है और होती हुई यहाँ पर हमारी हो जाती है क्या, यहाँ पर हो जाती है हमारी खंबात की खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ हमने देखी ये खंबात की खाड़ी कहलाती, क्या कहलाती है, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में अंकलेश्वर और भड़ोच के पास नर्मदा नदी का समापन हो जाता है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 13-12, कितनी है 13-12, ठीक, कितनी हो जाती है नर्मदा नदी की टोटल लंबाई हो जाती है 13-12, ठीक। और मैकाल पर्वत 10-55, ठीक है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चूंकि ये नर्मदा नदी किसमें रिप्ट वैली से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, रिप्ट वैली। रिप्ट वैली मतलब इसमें क्या है, इनके उत्तर में या जब नर्मदा नदी बहती हैं तो इनके दाहिने में रहता है हमारा विंध्याचल पर्वत और बाएं हाथ से बहते बाएं हाथ में कौन सा रहता है, सतपुड़ा पर्वत। मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में रहता है विंध्याचल पर्वत। तो दोनों ये भ्रंशोत्त पर्वत हैं और दोनों पर्वतों जो उठे हुए हैं उनके बीच में नर्मदा नदी एक दरार घाटी के रूप में बहती हैं। तो ये हमारे यहाँ ये रिप्ट वैली है ना, वैली मतलब घाटी, रिप्ट दरार के रूप में। देखिए इस साइड अपन देखते हैं तो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत आ जाता है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये ओंकारेश्वर का सीन है, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, ये यहाँ पर भी क्या है, ये हम जानते हैं ये बंदर कुंदनी भेड़ा घाट का सीन है और वहाँ पर ये अपन देख रहे हैं धुआंधार जलप्रपात हमारा आ जाता है यहाँ पर। और ये धुआंधार जलप्रपात भी जियोग्राफिक जो वर्ड होता है उसमें हम बोलते हैं निक पॉइंट, क्या बोलते हैं, निक पॉइंट का उदाहरण है जहाँ से यहाँ से नर्मदा नदी नीचे धस गई हैं जो अपनी नई घाटी में बहने लगती है उसको हम निक पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से दरार घाटी है ना, ये दरार घाटी के रूप में हमारे यहाँ से बहती हैं। तो ये अपने वहाँ के सीन हो जाते हैं। ये भी हमारे देखो दोनों पर्वत दिख रहे हैं, तो ये नर्मदा नदी ये हम कहाँ का देख रहे हैं, ये सरदार सरोवर डैम गुजरात के पास का देख रहे हैं, केवड़िया के पास का ये नर्मदा नदी है और ये हमारा वाटरफॉल का जो है ही उदाहरण, ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल का। तो ये नर्मदा नदी के बारे में हम देखते हैं, ठीक। तो नर्मदा नदी किसमें रिप्ट वैली में बहती हैं। तो हमारे यहाँ से, ठीक, यहाँ से हमने 10-77 इसकी टोटल लंबाई मतलब मध्य प्रदेश में बहने वाली हो जाती 13-12 टोटल कुल लंबाई हो जाती है। और इसमें अब क्वेश्चन तो आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछने लगे हैं, बड़ी गहराई से पूछने लगे हैं, क्वेश्चन कर देते नर्मदा नदी के दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ या नर्मदा नदी की बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो ये थोड़ा सा हम जब याद करने के लिए ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भूगोल हो या चाहे कोई भी चीज़ हो तो हमें घूमने की आदत डालनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक हमें ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा चलिए, इसमें हम जैसे नर्मदा नदी की सबसे पहले सहायक नदियों को याद करें फिर दायां और बायां अपने आप देख लेते हैं। तो एक हमारी एक सामान्य चीज में ट्रिक बनती है या एक तुक्का लगाने के लिए हमारे लिए आ जाता है कि नर्मदा नदी की नदियाँ याद करने के लिए हमें दो शब्द आ जाते हैं, एक जंतु के नाम और दूसरे खाना पीना के नाम। तो हमने जैसे ये देखे हुए हैं, यहाँ हमने देखे जंतु के नाम, क्लियर, जंतु के नाम हमारे देखते हम शेर, शेरनी, हिरण,
हिरणी, हथनी, ऊंटनी, तेंदुनी, बारना। ठीक, ये जंतुओं के नाम हो जाते हैं। ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। हम देखते हैं खाना से संबंधित हमारे जो सामान आ जाते हैं, जैसे दूधी, शक्कर, तवा, चंद्रकेसर, गोई, ठीक, गार, ऐसी बहुत सारी नदियां। क्लियर, ये खाना बनाने के नाम से याद करने का है। दूधी शक्कर हम ऐसे हैं जो हम खाना बनाने के समय यूज करते हैं, और जी हमारे जंतुओं के नाम पर आते हैं। ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हो जाती हैं। शेर शेरनी, हिरण हिरणी, हिरण नदी अपन जबलपुर जिले में पड़ती है ना, सेपरा बिटौनी के पास। ठीक, हथनी नदी झाबुआ में चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे हैं जोबट के पास, वहीं उनके चंद्रशेखर आज़ाद के वहाँ से है ना इसका निकलते हैं। ऊटी नदी वहीं है। तेंदुनी नदी हमारे यहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में उदयपुरा और सिलवानी के बीच में पड़ती है तेंदुनी नदी, है ना। बारना नदी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इस पे बाड़ी बरेली के पास बारना नदी हमारी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब इनको बारना मतलब बारे में अपन ने इन सब जंतुओं को रख दिया। दूधी नदी इस साईखेड़ा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। शक्कर नदी भी गाडरवारा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तवा नदी हम जानते ही हैं। ठीक है, तवा नदी हमारे वही पचमढ़ी से और अपने होशंगाबाद में उसका नर्मदा नदी में समापन हो जाता है। ठीक, गोई नदी बड़वानी के पास है। तो ये सब हमारे ऐसी नदियां हैं जो हमारी ऐसी मिल जाती हैं। तो अपन कुछ नदियां जैसे देख लेते हैं। हमने कहा नरसिंहपुर गाडरवारा, तो ये हमें एक सामान्य व्यवहारिक रूप में याद होना चाहिए कि भैया ये जैसे हम सागर से यहाँ नीचे जाते हैं तो हमारा नरसिंहपुर अगर यहाँ पड़ता है इतने में, तो यहीं पर हमारी इस साइड से मिलने वाली कौन सी हो जाएगी, दूधी नदी हो जाएगी, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी शक्कर नदी भी हो जाएगी। ठीक है, तिंदोनी नदी चूंकि ऊपर मिल रही है तो ये तिंदोनी नदी यहाँ हो जाएगी, गोई नदी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, हथनी नदी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, हिरण नदी हमारी यहाँ हो जाती है। ठीक है, तो अब इनका भी अगर अपन देखें तो जे छोटी छोटी नदियों का भी पूछने लगे हैं आजकल कि उनने पूछ दिया कि भाई आपकी शक्कर नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो हम देखेंगे चूंकि ये सतपुड़ा पर्वत से निकल रही है तो दक्षिण दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर या उत्तर की ओर जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, ये तिंदोनी नदी है या हमने देखा हुआ है, तिंदोनी नदी के साथ हमने ये देख लिया हिरण नदी है, तो ये विंध्याचल पर्वत से निकल के किस उत्तर से किस ओर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है ना। ठीक, तो ये हो जाती हैं। चलिए, तो ये हमारी नर्मदा नदी के। अब एक नदी होती है हमारी ताप्ती नदी। क्लियर, ताप्ती नदी तप्त ई इकारांत शब्द है, मतलब ये सूर्य की पुत्री कहलाती हैं। ठीक है, तो इनका जब हम नोट्स में अपन पूरा देखेंगे तो इनके नाम भी होते हैं, जैसे चरमावती कैन नदी का दरणावती हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन रेवा और मेकालसुता हमारे नर्मदा नदी को कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब अपन समग्र अध्ययन करेंगे, ये हम सिर्फ क्लास समझाने की है, नदियों को एक हम मैप में दिखा रहे हैं तो हमारा ये आ जाता है। ठीक, तो हमने ये देखा हुआ है ये यहाँ से निकलती है बर्धन शिखर मुलताई बैतूल से निकलती हमारी कौन सी, ये ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी हमारी ये मध्य प्रदेश और इसकी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की जो सीमा बनाती हुई, और कहाँ निकल जाती है हमारी, ये भी खंबात की खाड़ी में सूरत के निकट समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी हमारी देखते हैं यहाँ से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से और हमारे यहाँ महाराष्ट्र से इसकी पूर्णा गिरना बोरी यानर। ठीक है, बोरी हमारे पचमढ़ी के सतपुड़ा पर्वत के उस साइड से निकलने वाले, यहाँ से बोरी नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूना गिरना हमारे यहाँ से मिलने वाली नदियाँ हैं, भुसावल के पास इसमें ताप्ती नदी में मिल जाती हैं, तो ये हो जाती है। अच्छा, बर्धन शिखर के इस साइड से निकलती है हमारी, ठीक है, कौन सी नदी, बर्धा नदी। तो ये बर्धा नदी हमारी यहीं से निकल के ये नागपुर के पास हमें बर्धा नदी पड़ती है। ठीक है, और वर्धा जो हमने देखा हुआ है, वर्धा में तो हमारे देश का पूरा कहना चाहिए वर्धा आश्रम, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पूरी शिक्षा का आधार बुनियादी शिक्षा का वो तय किया है। तो ये वर्धा नदी हमारे यहाँ से निकलती है और ये कहाँ की ओर चली जाती है, ये दक्षिण की दिशा की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ से निकलती है परासवाड़ा अमरवाड़ा से बैनगंगा नदी। क्लियर,
बैन गंगा नदी है ना, यहाँ से ये पेंच नदी निकलती है, पेंच अभ्यारण्य हम सिवनी छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर पड़ते हैं, तो ये सब नदियाँ मिलकर ये तीनों नदियाँ यहाँ से हमारी इंद्रावती नदी आ जाती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ के बस्तर जगदलपुर से, तो ये सब नदियाँ मिलके नीचे गोदावरी नदी में सहायक गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। मतलब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम में हम जो देखें कि जो उत्तर का पूरा है, खासकर मालवा, मध्य भारत और हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसका पूरा अपवाह तंत्र जो हमारा है गंगा नदी तंत्र का है, ठीक है। और ये पूरा पानी कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। जो मध्य का है, मध्य प्रदेश में हम देखें है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो है ना, वो पूरा पानी और खासकर ताप्ती नदी का एक खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाता है, ठीक। और लेकिन दक्षिण पूर्व वो सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट जो हमारे ज़िले आ जाते हैं और कुछ नरसिंहपुर का ऐसा, इन जिले का पूरा अपवाह तंत्र किस दिशा की ओर जाता है, हमारा दक्षिण पूर्व की ओर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा होता है। तो ये हमारे नदियों को हम ऐसे समझ लेते हैं, इनकी लंबाई और इनके बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर वो हम चीज़ें विस्तृत अभी जब अपन नोट्स रहेंगे तो उन पर चर्चा कर लेंगे, है ना।